स्वागत है आपका विधि सही एमटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंह। हरी अब देखते दिन भर की खास खबर। बाढ़ पीड़ितों की सहायतार्थ एक क्लिक के माध्यम से आए 11 करोड़। कलेक्ट्रेट के एनआईसी कक्ष में जिला प्रशासन सहित विधायक गण रहे मौजूद। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष निवास पर बेघर हुए बाढ़ पीड़ितों को गृहस्थी का सामान सहित खाद्य सामग्री का हुआ वितरण। पहुंचे बाढ़ पीड़ित। और बरसों से निवासरत ग्रामीण को चुनाव हारा हुआ सरपंच नहीं बनाने दे रहा मकान। पीड़ित ग्रामीण पहुंचा प्रशासन के पास की शिकायत। अब खबर विस्तार से। कलेक्ट्रेट के एनआईसी कक्ष में जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों सहित जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। बाढ़ पीड़ितों के सहायतार्थ एक क्लिक के माध्यम से 11 करोड़ की राहत राशि आई है। इस संबंध में शमशाबाद विधायक राजश्री सिंह, कुरवाई विधायक हरि सिंह सप्रे व भाजपा जिला अध्यक्ष ने अपनी बात मीडिया के समक्ष रखी और बाढ़ पीड़ितों की सहायतार्थ अपनी बात कही। ग्रामीण क्षेत्रों में या विदिशा शहर में जो नुकसानी हुई है, जिसमें घर कई लोगों के घर पूरी तरह गिर गए, कुछ लोगों के घर आधे गिर गए, कुछ लोगों की दीवार गिरी है, इस सब का सर्वे हमने कराया है। सर्वे भी पूरा नहीं हुआ है, हमारा सर्वे का काम लगातार जारी है, लेकिन जितना सर्वे हो गया है लगभग 534 गाँव के 14,419 लोगों का हम सर्वे इसका करा चुके हैं। और उसकी जो है 11,03,15,000 की जो राशि है वो आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने वन क्लिक के माध्यम से लोगों के खातों में भेजी हुई है। मुखिया शिवराज सिंह चौहान द्वारा क्या सौगात दी गई है जो बाढ़ में तबाही हुई थी? अभी जो लगातार वर्षा से हमारे यहाँ बाढ़ में तबाही हुई, उसके लिए हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने 11,03,15,000 रुपए की राशि अभी विदिशा जिले को दी है, जिसमें कि मकानों का और जो उसमें रखे सामान का सर्वे हुआ है उस आधार पे अभी कुछ राशि और बाकी है। जैसे जैसे सर्वे होता जाएगा वैसे वैसे वो राशि डालते जाएंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी और उनकी सरकार का हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में विदिशा पहला जिला है जहाँ सिंगल क्लिक के माध्यम से आज बाढ़ में जो मकान क्षतिग्रस्त हुए थे उनकी पहली किस्त डाली गई है। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बहुत ही संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं। गंजवारदा में भी जब बाढ़ आई थी तो सबसे पहले हेलीकॉप्टर गंजवारदा में उतरा, उसके साथ माननीय मुख्यमंत्री जी खुद रेस्क्यू टीम के साथ जाकर वो उस तरफ फंसे हुए लोगों को अपने साथ नाव में बिठाकर सुरक्षित स्थान तक लाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल विदिशा जिले के अंदर जो सौगात हमारी कहना चाहिए कि जो राहत राशि आना चाहिए थी, मध्य प्रदेश में आज सिंगल क्लिक के माध्यम से हम विदिशा जिले को डाली। मैं भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष होने के नाते उनका मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने राहत राशि की पहली किस्त आज विदिशा जिले को दी है। जनता के पास और भी तबाही हुई है, उसके लिए क्या सर्वे चल रहा है और उनकी मदद किस तरीके से हो रही है? आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि अभी जी हमने मकान जो क्षतिग्रस्त हुए हैं उसकी राशि डाली है, जैसे ही बाढ़ का कुछ पानी कम होगा तो हमारी जो फसलों का नुकसान हुआ उनका भी सर्वे होगा। अभी हाल में बाढ़ के कारण जो गंद जमा हो गई उसको हटाने का काम विदिशा जिले में व्यापक स्तर पर चल रहा है। हमारी मेडिकल की टीम जगह जगह कैंप लगा रही है और हमने दवाइयाँ भी छिड़काई हैं कि उससे कोई बीमारी उत्पन्न ना हो,
ये सारी व्यवस्थाएं भी मध्य प्रदेश सरकार कर रही है। भाजपा द्वारा बेसनगर मंडल की युवा मोर्चा का गठन हुआ, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मुकेश टंडन के निवास पर उनका स्वागत हुआ। क्षेत्रीय नगर मंडल अध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारीगण इस मौके पर उपस्थित थे। मैं दिनेश कुशवाहा, अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी बेशनगर मंडल विदिशा। आज हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा बेशनगर मंडल की पूरी टीम की घोषणा भाई हमारे मंडल के अध्यक्ष सिद्धार्थ सिंह राठौर जी द्वारा की गई है। सभी युवा बहुत खुशी हैं, हर्षोवाहित हैं। हम इन सबसे आशा करते हैं कि आप सब भारतीय जनता पार्टी की जो मूलभूत हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा चलाई जा रही योजना अभी तक पहुंचाने का काम आप निरंतर करेंगे और संगठन को भी आप मजबूत करने का काम करेंगे। मैं आज इस मौके पर हमारे भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष माननीय राकेश जाधव जी, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष भाई देवेश मीणा जी, उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। तो उन्होंने इतनी सशक्त और मजबूत टीम बेशनगर मंडल में बनाई है। आज 22 पदाधिकारियों ने आज पद ग्रहण किया। मंडल का युवा मोर्चा का अध्यक्ष हूँ मैं। आज युवा मोर्चा की कार्यकारिणी की घोषणा की गई है। आज उसी के उपलक्ष में हम मुकेश टंडन जी भाई साहब के यहाँ आभार व्यक्त करने आए हैं। यहाँ पर हमारे जिला अध्यक्ष जी राकेश जाधवन जी, हमारे आदरणीय भाई साहब मंडल अध्यक्ष दिनेश कुशवाहा जी, सभी का युवा मोर्चा के सब नवनियुक्त पदाधिकारियों ने आभार व्यक्त किया है और सब में बहुत ऊर्जा और जोश के साथ आगे काम करने की लगन है। आगे युवा मोर्चा बहुत अच्छा काम करेगा, ये ऐसी मेरी आशा है। ग्यारसपुर की पुरा गोसाई निवासी एक पीड़ित परिवार जन सुनवाई के दौरान पहुंचा, जहां बताया कि वह बरसों से यहां निवासरत है और कुटीर बनाने के लिए सरकार ने 2 किश्तें भी दे दी हैं, लेकिन उक्त गांव के हारे हुए सरपंच प्रत्याशी द्वारा उन्हें मकान नहीं बनाने दिया जा रहा। उन्होंने बताया कि उसके चुनाव हारने पर वह उन्हें परेशान कर रहा है। हारे हुए सरपंच प्रत्याशी की शिकायत की गई। कौन सी तहसील में आता है? तो आज आप काय के लिए यहाँ पर? काय के लिए यहाँ पर? सुनवाई नहीं हो रही। क्या सुनवाई नहीं हो रही? घर नहीं बन रहा है। कौन? वो का सरपंच पुराना। पुराना सरपंच? हाँ, दो किस्ते आ गए। आप कब से ले रही हो जमीन पर? उस जमीन पर कब से ले रही हैं आप? बहुत दिन से ले रहा, 6 साल हो गए। मेरे बूढ़े पुराने मार गए हम। तो कुटीर आ गई आपकी? आ गई, 2 किस्त आ गई। 2 किस्त आ गई। अब वो सरपंच क्या कह रहा है? कह रहा बन आमा थी। क्या नाम है उसका सरपंच का? मनोज। पूरा नाम बताओ। मनोज सरीवा। कहाँ रहते हैं आप? हम रामनगर चक। कौन सी तहसील में? 11 तहसील। आज शिकायत करने के लिए कहा गया? सब मकान बन नहीं दे रहे आप। गांव के पटेल दबंगे आई से मकान की कह रहे हैं कि मकान गिरा देंगे, अगर बना दोगे ना तो हम तुम्हारा मकान बना गिरा देंगे। आप कब से ले रहे हैं? साहब 100 साल से ले रहे हैं। तो कुटीर आ गई आप? कुटीर आ गई साहब, 2 किस्तें आ गई और फाउंडेशन भी भरा गया। पहले से उन्हें मन नहीं करी साहब, अब मन कर रहे हैं। जब पहले क्यों मन नहीं करी? पहले इसलिए नहीं करी कि जब सरपंच थे साहब, अब जो सरपंच जी के चुनाव हार गए हैं साहब, तो मन कर रहे हैं कि साहब नहीं बने। क्या कह रही मैडम, क्या कह रही है? मैडम जी बोल रही है कि हम 11 पहुँचाएंगे अभी, तो आपकी सुनवाई हो जाएगी। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मुकेश टंडन के निवास पर उनकी माताजी द्वारा ऐसे परिवारों को गृहस्थी की सामग्री व खाद्य सामग्री का वितरण किया जा रहा है जो बाढ़ से पूरी तरह बर्बाद और तबाह हो गए थे। करीब 400 परिवारों को राहत सामग्री दी जाएगी। बढ़िया बढ़िया बढ़िया।
ले अम्मा हाँ साइड कर दिया आप देखिए आप पकड़ भाई बन गया है और अब कौन पायन भैया ले हाथ लगाओ भाई बारेलाली आ गए बारेलाली लेन फोटो ले लेंगे चलो भाई लाल पकड़ो हाथ लगाओ भैया भाई जा बर्तन भाई को ले लेंगे बारेलाली थोड़ा उधर हो भाई के बोलू ले बैठो अरे इनका राजेश इनका सामान कौन सा है इनका भैया 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 अनिल भाई थोड़े दादी कम दिख रही है मुकेश भाई साहब हाँ ठीक है एक एक करके आते जाओ कपड़े देने दो भैया लगभग 400 परिवार ऐसे हैं जो अपने परिवार को सुरक्षित निकाल कर सुरक्षित स्थानों पर गए और अपना सब कुछ घर पर ही छोड़ के आए वो सब घर तबाह हो गए ऐसे परिवारों के घर बस जाएं, उनको संपूर्ण सुविधाएं मिल जाएं, ये प्रयास हमारे मित्रों के साथ हमने किया है और आज हमारी माताजी की ओर से 24 परिवारों को संपूर्ण गृहस्थी का सामान जिसमें सूखा राशन साथ में बर्तन कपड़े सारे उपलब्ध कराए हैं ऐसे 400 परिवारों को उपलब्ध कराने जा रहे हैं हमारे मित्रों के सहयोग से। वास्तव में ये एक बार फिर परिवार अपने सामान्य जीवन यापन करने लगे अपने पैरों पर खड़े होना ये प्रयास किया जा रहा है। कहाँ रहते हो? घाटकोदी है जी। ये जो सामग्री वितरण की जा रही है टीम के द्वारा सामग्री वितरण की जा रही है और किसके लिए दी जी? मुकेश टंडन ने दिया है साहब। बाढ़ पड़ गई थी कोई क्या हुआ था? नदी भरा गई मकान गिर गया। अच्छा आप लोगों के मकान गिर गए थे? हाँ। फिर किसने मदद किया? मुकेश टंडन जी। अच्छा क्या क्या सामग्री दे दी आपको? आपको सब दे दिया कपड़े लत्ते बर्तन भाड़े जिला पंचायत के सभागार में जिला पंचायत सदस्यों की सामान्य सभा की बैठक का आयोजन हुआ। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष गीता कैलाश रघुवंशी सहित सभी जिला पंचायत सदस्य उपस्थित थे। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को लेकर महत्वपूर्ण चर्चाएं की गई। इस मौके पर कलेक्टर उमाशंकर भार्गव जिला पंचायत सीईओ विधायक शशांक भार्गव मुख्य रूप से उपस्थित थे। जल जीवन मिशन के बारे में थोड़ा संक्षिप्त में बताना चाहूँगा। जल जीवन मिशन का उद्देश्य एकमात्र है केंद्र सरकार और राज्य सरकार इसमें इनसे ही कहना यह है कि इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी बात हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि यदि किसी गांव में फॉर एग्जाम्पल 20% आप हमारे पास पानी पहुँच गया तो हमारे उस योजना का बेकार होगा और नहीं बनाया तो आप उसका पेमेंट पूरा नहीं करेंगे। एक मिनट में बीच में पूरा से खत्म कर दीजिए। आप पहले इन्हें प्रेजेंटेशन कर सरकारी दो परिवार हो गए दो रुपया हो जाएंगे एक नंबर पे एक को मिलेगा दो जब हो जाते हैं तो उसको फिर से आवेदन करके एक्चुअली पड़ता है सर्वे करके उसको देना चाहिए। दूसरा जो सुझाव दिया गया आवास को लेके है माननीय अध्यक्ष जी सुझाव बहुत आवश्यक है। इसको ध्यान देने की 1,20,000 रुपये जब राशि दी 2016 में तब संध्या का रेट था 2,800 रुपये रेट की जब ट्राली जाती थी 1,500 रुपये आज की खबरों को देखते ही पर ब्रह्म आप देखते रहिएगा विधि संयम की न्यूज़।